हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 2 साल के बच्चे की सलवार बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये कपड़ा फैला लिया है, ये डबल फोल्ड है और मैं इधर से ऐसे मोड़ूंगी। इसका नाप ये है, सलवार की लंबाई है 20 इंच, 20 इंच और हिप 20 इंच जो भी है। मोहरी इसकी जो है, मोहरी 4 इंच रखूंगी। ये मैंने 20 का 2 इंच ऊपर मोड़ने के लिए 1.5 इंच और आधा इंच नीचे सिलाई के लिए 22 इंच। ये मुझे टोटल 5.5 इंच रखना है, इसमें मोहरी 4 इंच बनाऊंगी, बाकी सिलाई में जाएगा। तो ये मैंने कपड़ा फोल्ड किया है 4.5 इंच और ये 1 इंच इधर एक्स्ट्रा निकल निशान लगाऊंगी। एक कली का बनाने जा रही हूँ, 1 इंच इधर से निशान लगाऊँ और इसको मिला लेते हैं। से तो 9.5 इंच मुझे इसकी थाइज रखनी है, 10 इंच ऊपर से ये आसन के लिए 10 इंच और ये 9 इंच 9.5 इंच ये रखूँगी। इतना ही ऊपर नाप लेते हैं, और इसको यहाँ से मिला लेते हैं। इतना ही इधर 9 यहाँ ज्वाइन किए, 5 इंच है ये, इधर से भी हम इसको 10 इंच लेते हैं, 10 इंच जहाँ पर आएगा तो वहाँ पे निशान लगाते हैं और ये भी इतना 5 इंच है, ये भी 5 इंच है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं।
निकाल लेते हैं इसको और फिर से कली जोड़ लेंगे, म्यानी जिसको कहते हैं। ये हमारी मेरी सलवार कट गई। कली हो गई, म्यानी इसमें लगाने की। चलिए सिलाई करते हैं। ये मैंने बकरम की पट्टी काट ली है, ये 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर की। के लिए ये कपड़ा है मोहरी बनाने के लिए, और ये मैं निशान लगा लेती हूँ जिससे सिलाई में आसानी हो। ये उल्टे की तरफ के निशान है ये। ये रुमाली जोड़ लेती हूँ, निशान बना रखा था मैंने पहले से।
पर ये होल छोड़ दूंगी मैं इलास्टिक डालने के लिए। बकरम की पट्टी सलवार के साथ हेलो व्यूवर्स, सलवार बन के तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।